Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, nowadays I am teaching you about the causative verbs. In the last class I taught you about the make, use of make. Okay friends, today I will teach you about the get, use of get. This is the causative verbs, get, okay? So let's start the class of the day. Friends, पिछली क्लास में मैंने आपको मेक के बारे में, the causative verb मेक के बारे में आपको पढ़ाया था. I will talk to you about the make, use of make, okay? कि make का इस्तेमाल हम causative verb के रूप में किस तरह से करते हैं. तो पिछली बार मैंने जैसा कि आपको साफ साफ बता दिया था कि अगर हम कोई काम किसी और से करवाते हैं और अगर उसमें हम खुद भी शामिल होते हैं तो वैसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम मेक का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, और आज मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा सा फ़र्क है. चीज़ वही है, दिस इज ऑल्सो द कॉजेटिव वर्ब, बट थोड़ा सा फ़र्क है. ओके फ्रेंड्स, तो हम क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं सबसे पहले वो इंग्लिश वीडियो. I need your assistance. Sure, what's up? I'm pressure and I can't seem to find my class. Oh, what building is it in? It's in the C building. Mm-hmm. Oh, I know exactly where that is. Can you tell me where is it? It's room number 115. I know where your class is. But externally, I am very sorry. I couldn't take you there because my class will start in 10 minutes. Oh, then I'll find myself. Thanks for your help. Oh, you look upset. Okay, let me show your class first. After that, I will attend my class. Now, are you happy? Yes, very happy. Okay, come with me. ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं. तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कॉजेटिव वर्ब यूज ऑफ गेट, तो गेट का इस्तेमाल, जैसे कि मैंने मेक वाले में बताया था कि अगर हम किसी काम किसी और से करवाते हैं और उसमें हम खुद शामिल होते हैं तो उसमें हम मेक लगाते हैं. ठीक है, लेकिन आज क्या है कि हम काम किसी और से ही करवा रहे हैं लेकिन उसमें हम शामिल बिल्कुल नहीं होते हैं, हमारी मौजूदगी बिल्कुल नहीं होती है, सिर्फ हम दूसरों को प्रेरणा देते हैं करने के लिए. जैसे हमने घर बनवाया, घर बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है. क्या होता है कि मैंने बनवाया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी को, ले भाई, फिर उसके बाद उसको पैसे मैं दे रहा हूँ, वो बनवा रहा है, वो घर बना रहे हैं वो लोग. ठीक है, तो उसमें मैं वहाँ नहीं भी रहूँगा मौजूद तो भी वो घर बन जाएगा. कुर्सी बनवा रहा हूँ मैं किसी बड़े से, तो वो बड़े को मैंने पैसा दे दिया, बोल दिया मैंने कि मेरा कुर्सी बना देना भाई, 2-4 कुर्सियाँ बना देना, तो वो कुर्सी मेरी बना देगा. लेकिन मैं तो यही बोलूँगा ना कि मैंने कुर्सी बनवाया या मैं कुर्सी बनवा रहा हूँ. ठीक है ना, तो उस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, जो हम काम किसी और से करवा रहे हैं बट उसमें हम शामिल नहीं होते हैं, हमारा कुछ उसमें एक्शन नहीं होता, मीन्स कुछ कार्य नहीं होता हमारा, सिर्फ प्रेरणा देने के लिए हम होते हैं, सिर्फ एक पीछे से मीन्स इनडायरेक्टली हम मदद कर रहे होते हैं उसकी, उस काम को करने में. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक एक सेंटेंस बनाते हुए. यूज ऑफ गेट काउजेटिव वर्ब, इसका जो मेकिंग फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर्स. मैंने पिछली बार आपको बताया था मेक के इस्तेमाल करते वक्त कि उसमें जो मेक है उसके साथ छेड़खानी करना है, मतलब उसी में चेंजिंग होगा, ऐसा होगा, दूसरे में नहीं होगा. इसमें भी ठीक इसी तरह से गेट में हम जो भी चेंजिंग करना होगा सेंटेंस के हिसाब से, कि जिस टेंस का या जिस टॉपिक का सेंटेंस है, जिस टेंस से सेंटेंस है, उस टेंस का जो रूल होगा उसको ही हम फॉलो करेंगे. बट उसको फॉलो करते वक्त ध्यान रखेंगे कि जो वर्ब के साथ चेंजिंग होगा वो गेट के साथ होगा, न कि इस वर्ब में. इसमें ऑलरेडी V3 ही लगेगा. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ऑलरेडी V3 ही लगेगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो राम ने पत्र लिखवाया, राम ने किसी से बोल दिया कि भाई मेरा एक पत्र लिख देना,
कुछ भी मतलब किसी भी तरह का पत्र लिख देना, उसने लिख के दे दिया, उसने बता दिया कि किसको लिखना है, क्या लिखना है, बस तो लिखवाया उसने। वो उसमें मैं शामिल नहीं था, मतलब राम नहीं शामिल था उसमें, लिखवाया किसी और से, बस उसने प्रेरणा दिया इनडायरेक्टली, उसने उसकी मदद की उसमें लिखने में। तो राम ने पत्र लिखवाया तो राम गॉट अ लेटर रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर अदर्श आएगा वर्ब थ्री के बाद, लेकिन इसमें अदर्श नहीं है इसलिए हम अदर्श नहीं लगा रहे हैं। तो ही गॉट, गॉट क्यों लगाया हमने, क्योंकि दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगता है। तो यहाँ पर जो भी हम फॉर्म चेंज करेंगे टेंस के हिसाब से वो गेट का करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही लगता है उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो राम गॉट ए लेटर रिटर्न। मैंने बाल कटवाया, मैंने बाल कटवाया, किसी किसी को हम पूछते कहाँ गए थे तो बोलते थे कि आई कट माई हेयर, मैंने बाल कटवा दिया, आई कट माई हेयर, उसका मतलब तो ये होता है कि मैं बाल काटता हूँ। आई कट माई हेयर का मतलब होता है कि मैं बाल काटता हूँ, लेकिन उसने बाल कटवाया किसी और से फिर भी वो बोलता है आई कट माई हेयर, तो दिस इज अ रॉन्ग। ठीक है, तो इसी तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने काम किसी और से करवाया, सिर्फ मैं वहाँ पे मैं कुछ कर नहीं रहा था, बस मैं बैठा था, मैं मेरा कोई कार्य नहीं होता है उसमें, तो वो उसमें गेट से लगा कर बनाएंगे। तो मैंने बाल कटवाया, आई गॉट माई हेयर लिख देंगे, मेरे बाल ही कटवाएंगे ना, तो माई हेयर कट, आई गॉट माई हेयर कट। उसने एक घर बनवाया है, जैसा कि आपने जैसा कि अभी मैंने आपसे बताया ना कि घर बनवा रहा हूँ मैं किसी से, तो कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर को मैंने पैसे दे दिए, उसको बता दिए कि भाई कैसे घर बनाना है, कैसा घर चाहिए मुझे, तो उसने बना दिया, तो वो घर बनाया, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने उसकी मदद की थी, मैं सिर्फ प्रेरणा बना उसका, उसने किया, मेरा उसमें कुछ कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, उसने एक घर बनवाया है, तो ही हैज, दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ही हैज गॉट अ हाउस बिल्ट, ही हैज गॉट अ हाउस बिल्ट। ठीक है, सीता खेत पटवाती है, खेत पटवाना मतलब खेत की सिंचाई करना, तो सीता खेत की सिंचाई करवाती है या पटवाती है, तो दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सीता गेट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स यहाँ पे लागू हो जाएगा, सीता गेट्स द फार्म, पटवाने का वाटर होता है तो वाटर थर्ड फॉर्म। ओके, सीता गेट्स द फार्म वाटर्ड, दरवाजा खुलवाओ, दरवाजा खुलवाओ, दिस इज द इंपरेटिव सेंटेंस, दरवाजा खुलवाओ। अब हम अगर किसी को पता नहीं होगा कि दरवाजा खुलवाओ मतलब क्या, तो यही बोलेगा ओपन द डोर, मैं किसी मेरे साथ में कोई है उसको मैं बोलूँगा कि दरवाज़ा खुलवाओ, ओपन द डोर, तो वो ओपन डोर मतलब डोर दरवाज़ा खोलो, लेकिन मैं उससे बोलूँ खुलवाओ, खुलवाओ मतलब वो नॉक करेगा फिर कोई खोलेगा। ठीक है, खोलोगे मतलब हो गया कि उसके पास की है, लॉक में लगाया और खोल दिया उसने, ऐसा। तो इस तरह की सेंटेंसेस के लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, दरवाज़ा खुलवाओ, गेट द डोर ओपन्ड, गेट द डोर ओपन्ड। क्या तुम मेरी किताब छपवा दोगे, क्या तुम मेरी किताब छपवा दोगे। अब छापना का इंग्लिश तो प्रिंट होता है, बट छपवाना का इंग्लिश क्या होता नहीं पता, तो इसके लिए हम गेट लगाते हैं। तो विल यू गेट माई बुक यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा, प्रिंटेड हो जाएगा, प्रिंटेड, विल यू गेट माई बुक प्रिंटेड। उसने कपड़े कब धुलवाए, कब धुलवाए, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो व्हेन डिड ही गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, कब धुलवाए, उसने कपड़े कब धुलवाए, तो व्हेन डिड ही गेट द क्लोथ्स वॉश। वह कुर्सी बनवा रहा है,
दिस इज द कंटिन्यूअस टेंस ही इज गेटिंग चेयर मेक. अब यहाँ पे बनाने के लिए हमने मेक लिखा है. अब ये मत सोचना कि इसमें गेट और मेक दोनों लगता है क्या, ऐसा मत सोचना. इसमें बनाना के इंग्लिश मेक होता है इसलिए मेक लगाया है इसमें. तो इस तरह से होते हैं सेंटेंस. अभी मतलब इसमें कोई भी हो, शुड मस्ट वाला हो या हैज टू हैव टू वाला हो या कैन कुड वाला हो, कोई भी हो उसके हिसाब से हमें उसका ही रूल्स फॉलो करके हम गेट का इस्तेमाल करके उस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं. और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि. अगर फिर भी आपको अगर अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में मुझे सवाल पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.